तालियों से स्वागत किया जाए। हर कोने कोने में जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो देश के आखिरी नागरिक तक जो है पहुंचाने का कार्य कर रही है। और ये संकल्प है विकसित भारत का, डेवलप्ड इंडिया का। हम भारत में दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। और हेलमेट लगाना सर ने जो बोला शुरू किए जा रहे हैं। पूरे देश में संकल्प यात्रा का जो सिलसिला है बड़ी बखूबी और बड़ी कामयाबी से चल रहा है, और हमारे ज़िला उधमपुर में भी शाना बशाना तौर पे यहाँ की जो चेयरपर्सन और बाकी चुने हुए नुमाइंदे और उनके साथ साथ यहाँ की आवाम है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हर रोज़ जो है मुझे लगता है एक त्यौहार की तरह महसूस हो रहा है हर आदमी को और हर औरत को और जो हमारे नौजवान साथी हैं। मुझे भी आज इस यात्रा का, इस संकल्प यात्रा के विकसित भारत की के हमने जो संकल्प लिया है उस सिलसिले में यहाँ पे आके शमूलियत करने का मौका मिला, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपना संदेश दिया और उसको सबने सुना, राष्ट्रीय गान हुआ, फिर जो लाभार्थी हैं बेनिफिशरी स्कीम्स को उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस दिया कि कैसे उनको अलग अलग स्कीम्स का, जो सरकार की स्कीम्स हैं उनसे मुस्तफीद होने का उनको फ़ायदा मिला और कैसे उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से बदलाव आया।